जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन कोशिश तो करते ही रहना है। और यही सीख हमें एक महान कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंस की जिंदगी से सीखने को मिलता है। स्टीफन हॉकिंस दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्स को लेके बहुत क्लियर थी और उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में अहम योगदान दिया था। 1988 में उन्होंने साइंस की एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज को बहुत ही सिंपल भाषा में दुनिया को समझाया था और ये बुक उस टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक्स थी। अपने करियर में तो वो बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही मुश्किल थी। 1963 में स्टीफन हॉकिंस जब सिर्फ 21 ईयर्स के थे, तभी से उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। अपनी बिगड़ती सेहत को देख के जब वो हॉस्पिटल गए, तो वहां डॉक्टर्स ने उन्हें सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि उन्हें अमाइलोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है। अमाइलोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, मतलब इसमें न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है। ALS सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स इसमें प्रिजर्व्ड रहती हैं। यानी कि पेशेंट महसूस तो कर सकता है क्योंकि सिग्नल्स मसल्स से ब्रेन तक तो जा रही है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर सकता क्योंकि सिग्नल वापस ब्रेन से मसल्स को नहीं आ रही है। मोटर न्यूरॉन के डैमेज के वजह से ब्रेन और मसल के बीच कम्युनिकेशन कट जाता है, जिसके वजह से मसल वीकनेस और मसल रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। ALS में अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि टाइम के साथ ये डिजीज बढ़ता ही जाता है और इंसान में धीरे धीरे करके सिम्टम्स आते हैं। जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे पेशेंट अपने हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट्स को लूज करने लगता है और धीरे धीरे पेशेंट को चलने में, लिखने में, बोलने में, यहाँ तक कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है और इवेंचुअली पेशेंट बेड रिडन या व्हील चेयर पे आ जाता है। इस बीमारी में डेथ या तो रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के कारण होती है। स्टीफन हॉकिंस को निमोनिया होने के वजह से उनकी डेथ हुई थी। इस बीमारी में डायग्नोसिस के बाद पेशेंट सिर्फ 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस इस बीमारी के साथ 55 इयर्स तक जिंदा रहे और 2018 में 76 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। And he became the longest living survivor of this disease. अगर आप स्टीफन हॉकिंस के लाइफ की जर्नी देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन पे बनी एक हॉलीवुड मूवी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।